हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एलजीआर स्टडी आईटीआई पॉलिटेक्निक एंड पारामेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 35 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स के लिए ऑलरेडी जो आपका 34 क्लास हो चुका है, तो जो लोग अभी तक इस सभी 34 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और काफी मेहनत के साथ हमने ये सभी क्लास आपका जो है कंप्लीट कराया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता अभी हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें आपको बता दें कि टोटल 3 टॉपिक पढ़ाई करना है और आज का जो अभी हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। इसमें आपको बता दें कि आज यह जो क्लास है इस टॉपिक का लास्ट क्लास है। त्रिकोणमिति का 2 क्लास और आपका होगा, जिसमें जो 3 टॉपिक है उसका 2 टॉपिक जो बचा है, 2 टॉपिक के लिए 2 क्लास और आपका होगा, फिर आपका जो है त्रिकोणमिति पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लास में। आज के क्लास में यह टॉपिक आपका 100% हम कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल आज के क्लास में हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले। काफी अच्छा क्लास आज का होगा, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन आज के क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक जो है जरूर बने रहिएगा। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो है 31 क्वेश्चन तक हम लोग जो है कम्प्लीट कर चुके हैं, तो आज का क्लास आपका 32 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। जो लोग अभी तक बेहतर तैयारी के लिए आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो या फिर पारामेडिकल हो, बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। वहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए, तो है 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है दिया गया है। बोला जा रहा है कि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 √3/2 हो तो आपको क्या करना है, कोण ए का मान क्या होगा, यही बताना है। ठीक है, तो जो चीज दिया गया है उसको हम पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे क्या चीज गिवन है। ठीक है, तो गिवन आप देख सकते हैं कि साइन ए माइनस कॉस ए क्या दिया गया है, साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 √3/2। अब आप इस चीजों को ध्यान से देखेंगे, आप जो है इसको साइन ए और माइनस कॉस ए ही रहने दीजिए और दाहिने साइड में ये 2 जो है एक के नीचे भी है और √3 के नीचे भी है, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे, √3/2 लिख सकते हैं, √3/2 लिख सकते हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर भी इस स्टेप में भी जो 2 है वो दोनों के नीचे है और यहाँ भी दोनों के नीचे है, इससे फायदा क्या होगा, देखिए इससे फायदा क्या होगा, आप साइन ए को बराबर कर सकते हैं 1/2 से और कॉस ए को बराबर कर सकते हैं √3/2 से। तो जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 एंड यहाँ जो है कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बराबर आप लिख सकते हैं √3/2। अब आप यह बताइए कि साइन कितना डिग्री का मान होता है, 1/2, ठीक है, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी कि ए का जो डायरेक्ट वैल्यू है वो 30 डिग्री आ रहा है, ए का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, यानी कि ए का मान आपका हो जाएगा 30 डिग्री। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी सी बातें नहीं करना, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग देखेंगे, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक इसको व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को जो है पता चले कि आखिर एलजीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का क्लास लिया जा रहा है।
चलिए हम बढ़ते हैं आगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए जो है देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला जा रहा है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और माइनस ले लिया गया साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या करना, इतना का मान क्या होगा, डैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, यह आपको क्या करना है, बताना है। तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए या फिर आप बिना फार्मूला का भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको दो तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका बता देते हैं आपको, जो याद रहे आपको वो आप यूज कर लीजिएगा एग्जाम के अंदर। यहाँ पर साइन 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना का साइन हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, क्या होता है, √3/2 होता है। और यहाँ पर माइनस है तो आप ले लीजिए क्या चीज, तो माइनस। फिर आप साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, तो यहाँ पर ले लेंगे गुना। और साइन 30 डिग्री का मान किसका, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको फिर से लेना है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब आप दोनों को गौर से देखेंगे, ठीक है, दोनों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेम चीजें हैं। और जब सेम चीज है तो इसका मतलब यह आता है कि सेम चीज में से सेम चीज आप घटाएंगे तो ये आपको आंसर क्या देगा, तो यह आपको आंसर दे देगा जीरो। कितना आंसर देगा, जीरो देगा, क्योंकि देखिए 1/2 × √3/2 और यहाँ पर 1/2 × √3/2 तो सेम चीज है, और घटाएंगे आप तो इसका आंसर क्या होगा, एक आ जाएगा। या आप इसे दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जिसको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसे बना सकते हैं। दूसरा मेथड हम देखते हैं इसको बनाने का क्या मेथड है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का, ठीक है। अगर आप इसे ए मानते हैं और इसे बी मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी होता है, तो देखिए कॉस और ए का मान आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री है और बी का मान 30 डिग्री है, तो 60 30 90 कितना होगा, 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से भी आप आंसर पा सकते हैं, कॉस 90 डिग्री का मान जीरो होता है, तो ये भी आंसर दे रहा है जीरो, और यहाँ भी आपका आंसर आ रहा था कितना, जीरो। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, वन स्टेप में आप काम कर सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा आपको खींचने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन सब आज आप करने वाले हैं, क्योंकि आज इसका लास्ट क्लास है, तो लास्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग जो है देखते हैं, अच्छे मतलब जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो उस तरह से आप क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए आगे आप बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम, चलिए अब आपको दिख रहा होगा पूरा फ्रेश। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वहां जो फार्मूला लगा था वह फार्मूला यहाँ पर आपको नहीं लगेगा, बट टाइप वही है, फार्मूला हल्का आपको चेंज करना होगा। फार्मूला यहाँ पर क्या लगाना होगा, इसको आप मान लीजिए ए, इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे 42 डिग्री को, 48 डिग्री को मान लीजिए बी, तो ये ऑटोमेटिक ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप फार्मूला सेट कर सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का जो फार्मूला होता है वो हम आपको बता दे, साइन ए प्लस बी होता है, क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है। आप लोग अगर याद करे होंगे तो पता होगा आपको, याद करना आपका काम है, ठीक है। ए का वैल्यू आपके पास कितना है, तो 42 डिग्री है, तो यहाँ पर ले लेंगे आप 42 डिग्री
प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो 48 डिग्री है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 48 डिग्री। ठीक है, अब आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू कौन नहीं जानता है, सभी जानता है साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, एक होगा साइन 90 का वैल्यू, तो साइन 90 का वैल्यू एक होगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए एक, डैट मीन्स आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं शॉर्ट मेथड, इस तरह से आप जो इसको कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ेंगे आगे, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे जो है लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक लाइक और शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि चलिए इस तरह का क्लास लेने में मेहनत लग रहा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के व्हाट्सएप फेसबुक पर बताइएगा कि देखिए इस तरह का एलजीआर स्टडी पे क्लास चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है 35 नंबर, समझने की कोशिश करेंगे आप। 35 नंबर क्वेश्चन है 1/sec² θ प्लस 1/cosec² θ है, और 1/sec² θ का मान होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि 1/cosec² θ जो होता है वो होता है sin² θ, क्या होता है sin² θ। ठीक है, और ये प्लस है तो आप बीच में ले लेंगे प्लस, और 1/sec² θ जो होता है 1/sec² θ का जो मान होता है वो होता है cos² θ, क्या होता है cos² θ होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि sin² θ प्लस cos² θ का मान होता है एक, डैट मीन्स एक आपका आंसर हो जाएगा, डैट मीन्स ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से आप लोग करेंगे, आप भी इसे एक लाइन में बना सकते हैं, कोई लंबा मेथड आपको नहीं लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन को, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप, यहाँ पर आपका 36 नंबर क्वेश्चन जो है सेटल हो चुका है, तो ध्यान से बने रहिए और देखते रहिए। 36 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है, फास्टली आप लोग भी कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का टाइम हम आप लोग को दे रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल सा है, तो आप जो है इसका आंसर कमेंट में जल्दी से लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा बी होगा, 36 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्या होता है फार्मूला sec² θ - tan² θ बराबर 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है 37 नंबर, काफी यहाँ पर अच्छा सा क्वेश्चन लिया गया है। बोला जा रहा है कि cos 4θ, कॉस का पावर यहाँ पर 4, और इसके बाद जो है थीटा लिया गया, कॉस का पावर 4θ माइनस साइन का पावर 4θ का मान किसके बराबर होगा यह आपको बताना है। तो दिया क्या गया है, तो आप लिख सकते हैं कॉस का पावर 4θ माइनस साइन का पावर 4θ दिया गया है। अब इसे इसका मान मतलब ये किसके बराबर होगा यह आपको बताना है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस चीजों को आप इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे आप इसे cos² ठीक है, cos² θ का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, बीच में माइनस ले लेंगे, और फिर आप इसे लिख सकते हैं sin² θ का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये पावर पर पावर फिर जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर ये दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इससे हमें एक चीज मिल रहा है a² - b² का मिल रहा है। ठीक है, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो a² - b² क्या है? आपको फार्मूला मिल रहा है, इसका मतलब है आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b (a - b), तो a का वैल्यू है cos² θ और b का है sin² θ। ठीक है, तो a + b (a - b) जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे cos² θ प्लस sin² θ प्लस sin² θ, और फिर यहाँ पर a + b (a - b) होता है तो इंटू का साइन ले लेंगे cos² θ और -sin² θ
तो आप सभी को पता होगा इसका मान होता है एक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है, ठीक है। इसका तो मान आपका हो गया कितना? एक हो गया। तब आप क्या करेंगे इस बातों को समझिए। और एक चीज आप ये तो आपका गुना है, तो गुना का साइन आप ले सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, इसको मानिए अगर आप ए, ठीक है, और इसको फिर मानते हैं बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से यहाँ पर ये आ रहा है। इस चीजों को आप फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कॉस को आप मानते हैं ए और इस साइन को मानते हैं बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। तो इसको फिर से आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए का वैल्यू होगा कॉस और बी का वैल्यू साइन होगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यह आपका फाइनल आंसर दे देगा। देखिए, एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं, तो इसको आप हटा लीजिए, तो यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख लीजिए कौन सा आपका इसके अनुसार सही आंसर है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कौन सा हो जाएगा? तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर आप इस चीजों को देखिए, इसको आप इधर भी कर सकते हैं और इस चीजों को इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में ये सब चलता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे और 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इसका आप लोग नोट बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक करके इसको लिख लिया कीजिए, जरूर जो है लिख लिया कीजिए, ताकि आपको जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो वहां पर आपको ये मदद करेगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझेंगे कि आखिर इसके द्वारा क्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दिया क्या गया है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिया गया है। तो एक बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, हम हल्का नीचे ही कर लेते ताकि क्लियर आपको दिख सके, और इसको चेंज कर देते हैं। यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बीच में आपका इंटू है, तो हम क्या करेंगे, तो इंटू का साइन ले लेंगे, ये इंटू मान लीजिए। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको आगे क्या करना, देखिए हमने क्या किया अभी तक, आप समझ गए होंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सी ओ एस ई सी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर गुना का साइन है, इसको सेम टू सेम रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तब आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आपको मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 39 का कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक है, 39 का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सॉरी 38 का, 38 का एक आंसर आ रहा है, डेट मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। डी ऑप्शन आप सही लगा सकते हैं, यह काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बने रहिए, इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन के द्वारा जो है 39 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, हम हल्का इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए समझिए क्या दिया गया, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि जो है दिया गया है
कॉस ए माइनस साइन ए का ये होल स्क्वायर था, याद रखिएगा ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग आप समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या था तो होल स्क्वायर था। तो यहाँ पर सिंपली आपको दे दिया गया कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर दे दिया गया। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे यह आपको क्या करना है बताना है। चलिए अब हम ध्यान से आप जो है देखेंगे इस चीजों को, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप तोड़ लीजिए किसको, तो कॉस ए प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो a का वैल्यू क्या है, कॉस है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा देख लीजिए, हम इसको यहाँ पर पहले लिख ही देते जो दिया गया है, क्या दिया गया है तो आपको दिया गया है कॉस, ठीक है, कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इसका क्या दिया गया है, साइन ए का होल स्क्वायर आपको दिया गया है, बीच में प्लस का साइन है, और फिर कॉस ए माइनस साइन ए क्या लिया गया है, तो कॉस ए और माइनस साइन ए, साइन ए का आपको होल स्क्वायर दिया गया है। अब आपको करना क्या है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, फिर इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा, कॉस ए स्क्वायर, ए हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए ए डेट मीन्स कॉस ए इंटू बी डेट मीन्स साइन ए, ठीक है, साइन ए, और प्लस बी स्क्वायर डेट मीन्स साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर ये प्लस है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, फिर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर लिखेंगे, ए तो क्या है कॉस ए है, तो यहाँ पर कॉस ए स्क्वायर ए, हाँ कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर आपका होगा प्लस माइनस टू ए बी, तो टू कॉस ए इंटू साइन ए, टू कॉस ए इंटू साइन ए होगा, और प्लस होगा बी स्क्वायर डेट मीन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए होगा। अब आपको क्या करना है यह आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, चलिए हम हल्का ये बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस टू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस टू कॉस ए इंटू साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद अब आप करेंगे क्या, सो यहाँ पर आपको क्या करना है समझना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, एक सेंटेंस में आपको देख लेना है। देखिए ये क्या है कॉस स्क्वायर ए और ये क्या है कॉस स्क्वायर ए, तो दो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, दो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर आप देख सकते हैं यहाँ क्या है साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस दो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, दो ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर आप इसको क्या करेंगे तो आप सभी जानते हैं ये टू तो टू रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो वन होता है, तो ये आपका गुना के रूप में आ जाएगा वन, दो गुने वन क्या होगा तो दो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आपका 39 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दे दो, डेट मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आगे, आप लोग देख भी रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने भी है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 40 नंबर देखेंगे, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है और इसे सिंपल से सिंपल मेथड से करेंगे भी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको दे दिया गया है, तो यहाँ जो है कॉस स्क्वायर, ठीक है ठीक, यहाँ आपको दे दिया गया है वन माइनस कॉस टू दी पावर फोर थीटा, इसका मान आपको बताना है, ठीक है, इसका मान डेट मीन्स इसका वैल्यू क्या करना आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि इसे हम जो है पावर फोर भी कर सकते हैं, इसका पावर फोर भी कर सकते हैं, तो अब आप इसे अगर
लिखना चाहे तो अलग तरीका से भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम वन माइनस, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, या फिर जो है, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो आपका वन होगा, फिर आपका कॉस कॉस स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए माइनस बी का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इस चीजों को आप अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, देखिए किस तरीका से, तो ये जो आपका टू का एक का पावर फोर है, ठीक है, तो एक का पावर फोर है तो आप इसको लिखेंगे एक का पावर टू और इसका पावर टू लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, कॉस का पावर फोर है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस का पावर टू इंटू इसका पावर, आप क्या कर सकते हैं तो टू कर सकते, टू और टू जब पावर पे पावर होता है तो आप सभी समझते हैं, ये पावर पर पावर होता है तो ये दो दो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही हुआ तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हम लिखते हैं ए माइनस बी लिखते हैं, तो बी का वैल्यू कॉस थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर ए है, और ये a माइनस बी हो गया, अब a प्लस बी लेते हैं, a प्लस बी और b क्या है तो कॉस स्क्वायर a है, ठीक है, तो अब आप इसे क्या करेंगे समझिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और फिर आप दाहिने में देख सकते हैं तो इंटू करके क्या है वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यही आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा, देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, इस तरह से आप इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है तो अच्छा से समझेंगे और इसको चलिए देखते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन को, 41 और 42 सेम है तो एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, चलिए 41 और 42 को देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ जो है आपको बोला जा रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में कॉस का पावर 4 है, फिर आप उसको उस मेथड से ही क्या करेंगे ले जाएंगे जिस मेथड से पहले हम बनाया करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ये जो चीजें हैं इसको आप पिछले मेथड की तरह इसको फिर से लिख सकते हैं, क्या चीज, तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये स्क्वायर है आप समझ सकते हैं स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप सभी समझते हैं जब पावर फोर है तो इसका पावर टू कर सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर का पावर टू कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चीजें जो है वो क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वन, और इसको आप लिख सकते हैं कॉस टू थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉस टू थीटा लिख सकते हैं, दैट मीन्स आपका कॉस टू थीटा फाइनल आंसर होगा, तो देख लीजिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा कॉस टू थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करके आप कमेंट में हमें बताएंगे कि आखिर जो है आपके 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, और नहीं बनेगा तो फिर हम तो है ही, कमेंट कर दीजिएगा सर 42 नंबर बता दीजिए तो अगली क्लास में हम बता देंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इससे भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस 62 डिग्री इंटू कॉस 28 डिग्री माइनस साइन 62 डिग्री इंटू साइन 28 डिग्री, तो अगर आप 62 को ए मानते हैं
और इसको बी मानते हैं तो ऑलरेडी ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। तो अब आप इसको पढ़िए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। क्या होता है? कॉस ए प्लस बी होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा भी था, तो कॉस ए प्लस बी होता है। तो आप देख लीजिए, कॉस ए का वैल्यू आपके पास 62 है, तो 62 डिग्री, और प्लस बी का वैल्यू जो है वो 28 डिग्री है, और दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 90। कितना मिलेगा? तो कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 45 नंबर है, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर आपका, सॉरी, कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 0। कौन सा होगा? क्योंकि साइन 90 का 1 होता है, ठीक है। तो साइन 0 0 होता है, कॉस, हाँ, यहाँ पर आपका 0 आंसर क्या होगा? सही होगा 0। दैट मीन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। चलते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बने रहिए, 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। 44 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर काफी उस टाइप का ही क्वेश्चन है, तो समझिए। यहाँ पर दिया गया साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इस बातों को भी आप उस क्वेश्चन के आधार पर ही कर सकते हैं। साइन इसको मान लीजिए ए, ठीक है, और इसको मानिए बी, तो ये ऑलरेडी जो है ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो फार्मूला बना साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका जो फार्मूला होता है वह आपको हम बता दे, होता है साइन ए माइनस बी होता है। क्या होता है? साइन ए माइनस बी। जो लोग फार्मूला नहीं देखे हैं वो लोग जरूर जो है देख लीजिए, ऐप पर सब फार्मूला आपको चैप्टर वाइज दिया गया है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी आप जो है याद रखेंगे, तो ए माइनस बी जैसे ही आप करेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा साइन, और ए से आप क्या करते हैं, ए का वैल्यू क्या आपका तो 60 डिग्री है, ए का वैल्यू 60 डिग्री, और माइनस बी, तो बी का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री है। तो 60 में से 30 आप घटाएंगे तो साइन 30 डिग्री, साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2। क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 45 नंबर, सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है और काफी अच्छा भी है, देखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे आप जो है 45 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस चैप्टर का। चलिए, बोला जा रहा है कि यदि कॉ बराबर है साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री तथा ख बराबर है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है। दैट मीन्स कॉ और ख में क्या रिलेशन होगा यह आपको बताना है। तो सबसे पहले हम कॉ से चलते हैं। तो कॉ बराबर क्या दिया गया है? साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री। क्या दिया गया है? साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसे हम करेंगे क्या, समझिए। जो साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 68 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 25 डिग्री, और यहाँ जो इंटू है या इंटू ले लीजिए कॉस 38 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 38 जो डिग्री आपको दिया गया, हाँ, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस ये यहाँ पर 52 डिग्री लिख सकते हैं, तब तो क्या होगा, 90 में से आप 52 घटाएंगे तो आपको 38 मिलेगा। अब आप सभी जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। क्या होगा? कॉस 25 डिग्री होगा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 52 डिग्री। कितना होगा? साइन 52 डिग्री होगा। किस, और यही चीज क्या है? तो यही चीज है ख, आप गौर से देख सकते हैं, यही चीज ख है। कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री ही ख है। तो देख लीजिए, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री ख, इसका मतलब यह हुआ कि क और ख जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो डेट मीन्स आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, क और ख दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि जब हमने क को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ख मिला। इसका मतलब क और ख दोनों ही क्या है,
बराबर है। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आज आपका जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट टॉपिक था 100% कंप्लीट हो गया। फिर अगले क्लास में हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग अभी तक जो है पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी के निशान को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी क्वेश्चन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक जो है हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। या नहीं तो सिंपली आप लोग जो है प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप तो वहां भी आ जाएगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और LGR स्टडी देखते रहिए।